Hello student, हम carboxylic acid में nomenclature देख चुके थे पहले के lecture में. अब इसी की structure और bonding के बारे में देखेंगे. Carboxylic group जो होता है वह COOH, जिसको हम लिख सकते हैं CO और OH के रूप में. जो CO group जो है वह आपका carbonyl group है और ओ एच ग्रुप जो है वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. वह ये दोनों ग्रुप जो है वह सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं. इंडिविजुअल अगर हम देखते हैं तो सी ओ की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है कार्बोनिल ग्रुप की और ओ एच की अलग प्रॉपर्टी होती है, परंतु ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे की जो क्रियाशीलता है उसको वो प्रभावित करते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं इंडिविजुअल अगर देखते हैं तो पहले हम लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप के लिए. कार्बोनिल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें हम देखते हैं तो सी ओ जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वह आसानी से हो सकेगा, या हम कहें कि वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आसानी से हो जाती हैं. इंडिविजुअल अगर देखते हैं, परंतु क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के साथ ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो उस केस में जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई थी वो ओ एच ग्रुप जो है उसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो वो लोन पेयर अपना उस कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है, जिससे कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो शून्य या नहीं के बराबर रह जाती है, और ऑक्सीजन से बॉन्ड लोन पेयर की शिफ्टिंग की वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज उस पर कमी हो गई, पॉजिटिव आयन के रूप में बदल गया वो. तो ये जो शिफ्टिंग होती है उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कार्बन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह पाता है, और इस रेजोनेंस के फलस्वरूप जो कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आ जाता है. जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो ओ एच बॉन्ड जो है बॉन्ड पेयर वह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है और एच पॉजिटिव के रूप में निकलता है और ये न्यूट्रल हो जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है. तो कार्बोनिल ग्रुप के कारण से ओ एच की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो तो बढ़ जाएगी, परंतु सी ओ कार्बोनिल ग्रुप की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी उसमें कमी आ जाती है, उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है. ओ एच ग्रुप के कारण से कार्बोनिल ग्रुप सी ओ की जो रिएक्शन थी उसकी क्रियाशीलता जो है वह घट जाती है. तो यहाँ पे जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उस केस में हम उस सी ओ ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है. तो ये तो थी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर उससे ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ओ एच ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्रियाशीलता कम हो जाती है. इसी प्रकार से हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्रियाशीलता को भी देखते हैं जिससे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है. अगर हम केवल एल्कोहल लेते हैं, कंपेयर करेंगे, तो आर ओ एच जो आयनर्स होगा एल्कोऑक्साइड आयन में और एच आयन में, परंतु अगर इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, मीन्स एल्कोहल अणु और एल्कोऑक्साइड आयन की अगर रिएक्शन देखते हैं हम, एल्कोऑक्साइड्स एल्कोहल के लिए एल्कोऑक्साइड आयन बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम देखते हैं तो दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वह बनती हैं रेजोनेंस के कारण से या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से. इस प्रकार से दो स्ट्रक्चर बनती हैं जिसमें हम देखते हैं कि एसिड जो है उसमें अगर रेजोनेंस देखते हैं तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे आर सी ओ ओ एच एसिडिक ग्रुप है जिसमें ओ एच ग्रुप के साथ अटैच है कार्बोनिल ग्रुप. इसकी होल की अगर
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो इस प्रकार से होगी जो हम यहाँ ऊपर भी देख चुके हैं, तो R C O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H बन जाता है। इसमें से H जो है वह आसानी से निकल सकता है, जब H इसमें से निकलेगा तो मतलब ओ एच का बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और एच पॉजिटिव के रूप में निकल गया है वहाँ पे। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सी ओ डबल बॉन्ड और एक सी ओ नेगेटिव है, जो जिसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन बना। तो एच निकलने से कार्बोक्सिलेट आयन बना है, जिसमें एक कंडीशन ऐसी है जिस पे एक कार्बन एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा डबल बॉन्डेड है। उसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी जिसमें पहला वाला जो सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव था वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन जो है नेगेटिव हो जाएगा, रेजोनेंस के कारण से होगा। क्योंकि ऑक्सीजन ये पहली स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, इसके कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड है तो शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, जिससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पहले वाला जो है वह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, पहली कार्बोक्सिलिक एसिड की देखी और दूसरी देखी कार्बोक्सिलेट आयन की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो दो संरचनाएँ बनी हैं, उस एक तो न्यूट्रल है और दूसरी डाई आयन है। एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, या हम कहें कि दोनों विपरीत आवेश वाले होते हैं, दोनों समान परमाणु विपरीत आवेश वाले होते हैं। तब तो उस केस में उनकी ऊर्जाओं का अंतर भी पर्याप्त होगा, तो उस केस में वहाँ पर अनुनाद की संभावना नहीं हो पाती है। इसके विपरीत कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचना है हम देखते हैं, तो उसमें दोनों विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है, दोनों ऑक्सीजन हैं उन पे ऋण आयन है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, तो वहाँ पे अनुनाद जो है वह आसानी से हो जाता है। इसको हम देख सकते हैं कि अनुनाद के कारण से दोनों सी ओ बंद की जो बंद लंबाई है, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन पर रोटेट कर रहा है रेजोनेंस के कारण से, तो दोनों सी ओ बॉन्ड जो है वह बराबर हो जाती हैं, या सी ओ बंद की दूरी जो है वह समान होती है। इसको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पहले हमने देखी उसको अनुनादी रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनुनादी संरचनाएं होंगी ये, जिसमें सी डबल बॉन्ड रोटेड है दोनों राइट में, मीन्स डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन पर रोटेट कर रहा है और उस पर ऑक्सीजन चार्ज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन जो है वह अधिक अनुनाद हो, उसमें अनुनाद होगा वो अधिक स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन जो है वह उस रूप में अधिक रहता है। जब कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में रहेगा तो वो उससे उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वह बढ़ जाती है, क्योंकि H आसानी से निकल रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, वो स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के द्वारा, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उसमें से H निकलने की संभावना अधिक होती है, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है। तो कार्बोनिल ग्रुप के कारण से, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पास में जुड़ा हुआ है, तो उसके कारण से OH ग्रुप की क्रियाशीलता जो है वह बढ़ जाती है, मीन्स अधिक एसिडिक हो जाएगा वो उस केस में। एक हमने देखा अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है तो वीक एसिड है, परंतु कार्बोनिल ग्रुप वाला जो है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ था है, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वह बढ़ जाती है। जब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो क्योंकि दो आयन बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बन गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अणु जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो अणु होते हैं वो पोलर होते हैं, और ये साथ में भी या जल के साथ
मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, सेल्फ दो या दो से अधिक अणु सेम परमाणु के जुड़ के बना सकते हैं, या जल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उनके क्वथनांक अगर सॉलिड फॉर्म में है तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड फॉर्म में है तो उनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है वह हाई होते हैं। इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो लोअर एसिड्स होते हैं, लोअर एसिड्स होते हैं उनमें क्योंकि हाइड्रोकार्बन ग्रुप की तुलना में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वह बड़ा होता है, तो उस केस में उसकी जल में विलयशील होते हैं। फार्मिक एसिड से ब्यूटेरिक एसिड तक के कंपाउंड्स को अगर हम देखते हैं क्योंकि ये लोअर एसिड्स हैं तो इनकी विलयता जो है वह अधिक होती है, परंतु इसके आगे के 5-6 और आगे के हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड अगर हम देखते हैं, एसिड्स देखते हैं, तो उसमें क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, श्रृंखला जो है वह काफ़ी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू एसिड ग्रुप, तो उस केस में उसकी विलयता जो है वह घटती जाती है। तो एरोमेटिक एसिड की विलयता भी कम होती जाएगी, मतलब पानी में नहीं घुल पाएगा वह या शून्य होती है। जैसे कि हम देखते ही हैं कि जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है, जबकि एरोमेटिक एसिड जो है वह वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसी में अगर हेलो एसिड्स हैं, हेलो ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो उसके साथ में, तो एसिडिक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब हेलो एसिड जल में अधिक विलयशील होते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड्स और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की भी जल में विलयता जो है वह अधिक होती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं या सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं, उसमें हम देखते हैं। COOH ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप की भांति व्यवहार करता है, जैसा कि हमने देखा कि H आसानी से निकल जाएगा कार्बोनिल ग्रुप से। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें ये इस प्रकार से प्रोटोन का निष्कासन होगा, कार्बोक्सिलेटाइन की अनुनादी संरचना बनेगी, ये अनुनाद शक्कर और ये पॉजिटिव आयन निकला। तो कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता, कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता जो है वह फ्री होती है। अब इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे कि उस कंपाउंड की एसिड स्ट्रेंथ जो है वह प्रभावित होगी, जिसमें हम देख सकते हैं 3 एसिड्स लेते हैं और उनकी एसिडिटी पर विचार करते हैं। एक कंपाउंड ले रहे हैं हम एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बोनिल की जो फ्री वैलेंसी उसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरा फॉर्मिक एसिड, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की फ्री वैलेंसी में एच जुड़ा हुआ है। तीसरा क्लोरो एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप में क्लोरोमेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि CH3 ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो उस केस में ये अपना बॉन्ड पेयर कार्बन को देगा, जिससे ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति थी, जो लोन पेयर दे रहा था, उसमें कमी आ जाएगी। तो OH बॉन्ड जो है वह उतनी आसानी से नहीं टूट पाएगा, मतलब उसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वह कम हो जाती है। तो इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे H है तो वो देगा तो, परंतु CH3 की तुलना में कम होगा। इसकी आई इफेक्ट, CH3 का आई इफेक्ट जो है वह पॉजिटिव होता है, आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करने वाला समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को घटाने वाला समूह होता है, तो उस केस में उसकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वह कम हो जाती है।
और क्लोरो एसिटिक एसिड के अंतर्गत हम देखते हैं क्योंकि क्लोरो ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला होता है, तो उस केस में क्या होगा, वह कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इधर ऑक्सीजन जो लोन पेयर वाला उससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उस केस में ओ एच बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वह सबसे अधिक एसिडिक होगा ड्यू टू नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ क्लोरो ग्रुप, सबसे अधिक एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक होगा फार्मिक एसिड क्योंकि वहाँ पे एच ही जुड़ा हुआ कार्बोनिल ग्रुप के साथ। थर्ड जो है वो एसिटिक एसिड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसके प्लस आई इफेक्ट के कारण से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वह घट जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे अधिक एसिड है, फिर फॉर्मिक एसिड है और लास्ट में एसिडिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड के रूप में जाना जाता है। इसका नेक्स्ट और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।